सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि काफी डरावना है, खासकर उन लोगों के लिए जो रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर खाते हैं। यदि आप भी खाते हैं तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि ये कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये वीडियो गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट का आया है, जहां पर एक ग्रुप के पांच लोग खाना खाने के बाद ड्राई आइस को माउथ फ्रेशनर समझकर खा लिया। खाते ही इन पांच लोगों ने खून की उल्टियां करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले में ला फ्रेस्टा कैफे के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है और पुलिस इसकी तफ्तीश भी कर रही है। क्या होता है ड्राई आइस? ड्राई आइस एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, यह बेहद ही ठंडी होती है। अगर घर वाली नॉर्मल बर्फ की बात करें तो उसका तापमान -2 से -3 होता है, लेकिन इसकी सतह का तापमान -80 डिग्री तक होता है, जो कि इसे खतरनाक बना देता है। इस बर्फ को बनाने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फॉरेनहाइट तक ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है, जिससे यह गैस बर्फ बन जाती है और इसकी शेप छोटे या बड़े टुकड़े में कन्वर्ट कर दी जाती है। कितना खतरनाक होता है ड्राई आइस? ड्राई आइस का इस्तेमाल ज्यादातर कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा फोटोशूट और थिएटर में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह है कि जब इसे गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है और फिर वो इलाका बर्फ की तरह लगता है, जो कि घने बादल या कोहरे का इफेक्ट देता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आमतौर पर यह इतनी खतरनाक नहीं होती है, लेकिन यह इतनी ठंडी होती है कि इस वजह से इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। यही वजह है कि इसे खाली हाथ से छूने से मना किया जाता है, और साथ ही कहा जाता है कि इसे एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कैसे माउथ फ्रेशनर की जगह खा लिया ड्राई आइस? इस मामले में शिकायत करने वाले पीड़ित ग्रुप के अंकित ने मीडिया को बताया कि उनके खाना खत्म करने के बाद एक वेटर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर की पेशकश की थी। उन्होंने बताया कि इसे खाने पर उनके मुंह में जलन होने लगी, इसके बाद मुंह से खून आने लगा। इसके बाद अंकित ने पुलिस को फोन किया और अपने दोस्तों को सेक्टर 90 के RV अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। इसके बाद फोरेंसिक जाँच की गयी तो सामने आया कि सच में वेटर ने माउथ फ्रेशनर की बजाय ड्राई आइस दे दी थी, जो कि उनके लिए जानलेवा साबित हुई। वहीं रेस्टोरेंट के मैनेजर गगन ने बताया कि यह घटना वेटर की लापरवाही के कारण हुआ है। पुलिस इस मामले में आगे कार्यवाही कर रही है। तो ये थी गुरुग्राम में हुए माउथ फ्रेशनर की घटना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।